तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग का इफ कंडीशंस। इससे पहले की क्लासेस में इफ कंडीशंस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था नॉर्मल इफ जो होता है, सिंगल कंडीशन इफ जो होता है उसके बारे में, लेकिन हम बात कर रहे हैं मल्टीपल कंडीशन इफ की, एक से ज्यादा कंडीशन कैसे लगाए जाए, ये हमारी आज की क्लास है। तो चलिए आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास नेम है और यहां पे सब्जेक्ट्स है, तीन ही सब्जेक्ट लेता हूं और यहां पे रिजल्ट शो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि तीनों सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 40 हो तो पास, अदरवाइज फेल। तो मल्टीपल कंडीशन बट सिंगल रिजल्ट, क्या मल्टीपल कंडीशन बट सिंगल रिजल्ट, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एंड का इस्तेमाल करेंगे। यहां होगा कि इफ रेंज बी टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 एंड रेंज ऑल्सो b2 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन, b2 नहीं होगा c2 होगा, यहां पे c2 एंड रेंज d2 डॉट वैल्यू देन रेंज e2 d2 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 करना, हाँ कर देता हूँ, डॉट वैल्यू इक्वल टू पास, और यहाँ पे हमने ग्रेटर देन 50 कर, और फिर एल्स में हमने दे दिया फेल। और यहाँ पे एंड इफ कर दिया। तो सिंगल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन बट सिंगल रिजल्ट, इसके लिए हमने एंड का इस्तेमाल किया। बट मैं बात कर रहा हूँ, फेल तो लिख दीजिए, क्या बोल रहे हैं, फेल तो लिख दीजिए सर, उसमें पास ही देगा रिजल्ट भी नहीं तो। अच्छा हाँ, अच्छा छोटी छोटी चीज है, भावनाओं को समझिए। और यहाँ पे वन बात है ना, ये रात के भी 10 बज रहे हैं, सुबह 5 बजे से क्लास ले रहा हूँ सर, तो ऐसी छोटी गलतियां हो सकती है नाइट में ना। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मुझे बताना है कि पहले किस सब्जेक्ट में फेल हुआ है। अभी क्या है कि अगर फेल हुआ तो किस सब्जेक्ट में फेल हुआ उसका पता नहीं, बस फेल दिखा देगा। मैं चाहता हूँ भाई कौन सा सब्जेक्ट फेल हुआ है, ठीक है, या कौन कौन से सब्जेक्ट फेल हुए, मुझे ये देखना है। तो मैं यहाँ वेरिएबल लूंगा कि dim d as a string, मतलब कि पास्ट फेल इसी पे स्टोर होगा। और यहां होगा कि इफ रेंज b2 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन, तो आपको पता है कि हर पार्ट का एक ट्रू पार्ट होता है, एक फॉल्स पार्ट होता है। एल्स मैंने यहां पर दिया कि रेन यहां पर सॉरी डी इक्वल टू डी के साथ कॉमा लग के कंबाइन होगा सब्जेक्ट वन फेल, और यहां पे एंड। एक इफ हुआ,
एक इफ को हमने पूरा कर लिया, तो ये हमने फॉल्स पार्ट को पूरा किया, ट्रू पार्ट को पूरा नहीं किया, क्योंकि ट्रू पार्ट को पास है, तो पास के लिए हमें यहां पे देना होगा कि इफ रेंज सी टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन, और फिर मैं यहां पे else देता हूं, और else में इसी को कॉपी करके रखता हूं, सब्जेक्ट एस टू डॉट फेल, और फिर एंड, ठीक है। फिर इसके अंदर हम देते हैं तीसरा इफ रेंज डी टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 50 देन हम यहां लिखेंगे बी इक्वल टू पास, और एल्स में क्या बोल रहे हैं सर? एंड इफ और एल्स का स्पेलिंग सर गलत होगा, मैं सही कर देता हूँ, एस वन पी ठीक है सर। तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगाते हैं, देखिए ए इफ हुआ, इस इफ के अंदर में ट्रू पार्ट ए है हमारा और फॉल्स पार्ट ए है, फिर इस इफ के अंदर में ट्रू पार्ट हमारा ए है और फॉल्स पार्ट ए है, और इस इफ के अंदर में ट्रू पार्ट हमारा ए है और फॉल्स पार्ट ए है, ठीक है। तो पहला इफ अगर ट्रू होगा तभी दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज एल्स में अपना रिजल्ट को शो कर, और फिर मैं यहां पे रेंज ई टू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हम लिखेंगे डी, ठीक है सर। डाउट इसमें किसी को? सर एक बार इसको समराइज कर देना सर एक बार इसको, क्या दिक्कत आ रही बताइए, हमने तो सब समराइज ही लगाया ना, आपको तीन कंडीशन है हमने, सुनिए तीन कंडीशन है, कितने कंडीशन है हमारे पास, एक दो और तीन, सिंपल सी बात है कि जितने एक इफ में एक ही कंडीशन लगता है तो जितने इफ उतने कंडीशन, तो हमने पहला इफ दूसरा इफ तीसरा इफ, तो पहले इफ को हमने कंडीशन दिया, हमने बोला कि पहला इफ कंडीशन में 50 से ज्यादा है तो दूसरा इफ को फॉलो करेगा, नहीं तो बाहर निकल जाएगा, एल्स देंगे, समझे। फिर सेम दूसरा भी यही करेगा, अगर इसको कंडीशन हुआ तो तीसरे इफ को फॉलो करेगा, नहीं तो बाहर निकल जाएगा एल्स के साथ। चौथा इफ को मैंने बोला सर डी इक्वल टू क्या, डी इक्वल टू एंड परसेंटेज दे रखा है ना, ये वाला समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, फाइंड किया क्योंकि हो सकता एक सब्जेक्ट में फेल तो नहीं होगा, हो सकता है एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो, तो समझे सर। डी सर डी डी स्ट्रेंथ को हमने वैल्यू तो कोई असाइन की नहीं, किस पे डी एज स्ट्रेंथ हमने डिक्लेयर कर लिया ना, इसको वैल्यू तो कोई दी नहीं हमने, दी क्यों नहीं दे रहा है, बट डी पास आ रहा है, डी को फेल कर रहे हैं सब, तो डी पे स्टोर हो रहा है ना, ठीक है। आप ट्राई करके देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। एक इफ के अंदर दूसरा इफ, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। देखिए अगर आप डायग्राम जाना चाहो तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है इसका, देखो बता देता हूँ डायग्राम बना के क्या होता है, कि एक कंडीशन से आपके, ठीक है, तो हर इफ ये आपका इफ है जिसमें कंडीशन आपने लगाया है 50, एक कंडीशन है 50, ये आपका ट्रू पार्ट है, ये आपका फॉल्स, तो कंडीशन सही हुआ तो यहां पे एक और इफ चलेगा, ठीक है, और इसके अंदर भी आपका एक और इफ चलेगा,
यहां पे आपका पास हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि पास एक ही बार हो सकता है बट फेल तीन बार हो सकता है, समझ गए। तो ये फेल्स के लिए अलग है, ये आपका आउटपुट है, जैसे कि ये है आपका यहां पे एल्स ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तीन बार है। कि पहला कि अगर पहले चेक किया 50 है तो 50 से ऊपर है तो आपका इस पार्ट को फॉलो करेगा, नहीं तो इस पार्ट को फॉलो करेगा, इस पूरे को नीचे को इग्नोर कर देगा। वैसे ही जैसे कंडीशन ट्रू हुआ तो तभी वो दूसरे इफ को आएगा, अदरवाइज सीधे यहां पे आ जाएगा और इस पूरे को इग्नोर कर देगा, समझे। अब समझ में आया, चलिए अब अगला है हमारा इसी इसी के तरह है, इसी से रिलेटेड है, उस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम इसी पे बात करते हैं, एग्जांपल कि मान लीजिए मुझे आईडी प्रूफ फॉलो करना है, आईडी प्रूफ को फॉलो करना है, तो आईडी प्रूफ में आपको यहां पे हो सकता है कि वो पैन दे दे, हो सकता है कि वो डीएल दे, हो सकता है कि वो पासपोर्ट दे या वोटर दे। क्या यहां पे मुझे स्टेटस में ओके या पेंडिंग देना है। अब यहां पे हम बात करेंगे एलसी का, मतलब कि अभी जो आपने बोला कि हर इफ दूसरे इफ में ये फॉल्स पार्ट पे चले, देखिए और ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे हम देते हैं सब्जेक्ट, यहां मैं यहां पे कंडीशन दिया कि इफ रेंज बी टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा यहां पे इक्वल टू वाई, केस सेंसिटिव होता है इसका ध्यान रखिएगा, देन आर इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू, या आर ऊपर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, आर इक्वल टू ओके। फिर यहां पे हमने दे दिया एल्स इफ रेंज यहां पे सी टू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू y, then r is okay। अब इसी चीज को नीचे की तरफ फॉलो होते जाएगा, सी टू के बाद डी टू और लास्ट में हम यहां पे एंड इफ कर देंगे, समझ में आया। अब ये इफ दूसरे इफ को तभी करेगा जब फॉल्स पार्ट हो, मतलब एल्स में चला गया कि इफ अगर रेंज बी टू इक्वल टू वाई हुआ तो यही पे आपको ओके दे देगा और नीचे को नीचे फॉलो नहीं करेगा। अगर ओके नहीं हुआ, वाई नहीं हुआ तो फिर वो एल्स पे जाएगा और फिर से चलेगा, इसको एल्स इफ बोलते हैं। फिर से कंडीशन चेक किया, वाई मिला तो ओके कर देगा और यही पे इफ को खत्म कर देगा और सेम इसी तरह से इसको आगे इसमें फॉरवर्ड। एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि सेल्स है और मुझे इंसेंटिव्स देने हैं, जे इंसेंटिव इंसेंटिव जो कि 0 to 40 हो तो मैं 500 देना चाहता हूं, 41 to 80 हो तो मैं यहाँ पे 1000, 81 to 100 तो 2000 और ग्रेटर देन 100 तो 5000। तो इसके लिए क्या करें, शब्द आरा, तो सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं डिम
आर कॉमा डी एज ए लॉ। आर के ऊपर हमने कर दिया रेंज आई टू, आई टू डॉट वैल्यू। वेरिएबल से क्या हुआ कि आगे हमें कंडीशन लगाने में दिक्कत नहीं होगा, कब लिखना पड़ेगा। देखिए इफ आर इज लेस देन इक्वल टू 40 देन, यही पे डी इक्वल टू, यहां पे डी इक्वल टू 500। एल्स इफ आर इज लेस देन इक्वल टू 80 then d equal to 1000, if else if r is less than equal to 100 then d equal to 2000, else mean d equal to 5000. And the last range j 2 dot value is equal to d. ठीक है, हेलो बोलिए। हाँ सर, ये जो J2 पे असाइन किया है, ये मतलब अगर हम वेरिएबल पहले डिफाइंड कर दें तो इसको बार बार हमें रेंज को असाइन नहीं करना पड़ेगा? नहीं, हमने एक बार वैल्यू लेके R पे डाल दिया, बार पे स्टोर हो गया, हमने कंडीशन को फॉलो किया और जो रिजल्ट रिजल्ट वो J2 पे शो करके देगा। ओके, अब एक चीज और ध्यान रखिए, इस तरह की जैसे ऊपर हमने दिया और नीचे इस तरह के दिए से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड अगर आपके पास कंडीशंस हैं सीक्वेंस में, तो उस केस में इफ को रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है, वो है सिलेक्ट केस। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इसको डिलीवर डिक्लेयर कर लिया यहां पे, अब मैंने यहां पे दे दिया सेलेक्ट सेलेक्ट केस किसके साथ आर। अब यहां पे मुझे सिर्फ अब लिखना है केस केस 02 इस तरह से 40, तो d इक्वल टू 500, केस 41 to 80, यहां पे d इक्वल टू 1000, केस 81 to 100, d इक्वल टू 2000। अब जरूरी नहीं कि ऐसे लिखा जाए, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इट्स ग्रेटर देन 100, इस तरह से भी दे सकते हैं d इक्वल टू 5000 एंड थोड़े से इसमें तो खास नहीं है। अब जैसे मान लीजिए एंड ही लगाना, ए हो गया, मुझे एक और देना है कि भाई अगर पांच मतलब कि माइनस में गया या कुछ ऐसा गया तो उसमें कुछ आया, जैसे माइनस 40 आया तो कुछ और आना चाहिए। सिलेक्टेड से है आपके पास, तो केस में लिख दिया कि भाई -40 क्या हो रहा, सॉरी केस माइनस
40 कॉमा माइनस 30 कॉमा 20 माइनस 20 इस तरह से दोगे, आपको तो एंड और इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, आप नंबर को कॉमा इस तरह से करते जाओगे तो आपका रहेगा। तो केस जो है इसकी तरह ही काम करता है बट कॉम्प्लिकेटेड इनको सिंपलाइज कर, ठीक है सर? आया समझ में? हेलो बोलिए सर। जैसे अभी ये जो ये ब्लिंक करता है, ये डबल में आ गया था, जैसे कि काफी मोटा हो गया था ये जो अभी वो कर रहा है, तो उसको सर आपने दोबारा से सिंपल उसमें कैसे कर लिया? किसको सिंपल लिखनी थी? जो इसका क्लिक होता है, क्लिक अभी क्लिक करते हैं ना जहाँ से ये, जैसे कि ये है ये ब्लिंक हो रहा है अभी टेक्स्ट का, अगर ये उसमें बड़ा हो जाता तो इसको दोबारा से वैसे कैसे लेकर आते हैं सर? क्या बड़ा हो जाता है समझा नहीं मैं। जैसे ये वैल्यू पे ये है ना हमारे जहाँ कर्सर लेकर जाते हैं, हाँ। ये कर्सर अभी ब्लैक बड़ा हो गया था, मतलब ब्लैक हो गया था थोड़ा हाई ज्यादा इंसर्ट से होता है, इंसर्ट से होता है, इंसर्ट से बटन कीबोर्ड का होता है ना वो तो उसको। ओके, ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड इफ था और मैं कोशिश करता हूं कि आप इसको सही तरीके से समझ पाएंगे। इसके लिए आप जो है कुछ प्रैक्टिस कीजिए, कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिए तो आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है सर? तो मैं आज की फाइल भी भेज देता हूं और साथ में रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा। कुछ पूछ रहे थे सर? सर कल की क्लास तो 10 PM होगी ना? हाँ ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम।